हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंक के लॉकर और आपके अधिकारों के ऊपर। कई बार आप बैंक में लॉकर की डिमांड करते हैं और बैंक अधिकारी ये कहकर आपको मना कर देते हैं कि अभी लॉकर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर आपको लॉकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बैंक के चक्कर लगाने लग जाते हैं। उसके बाद हो सकता है कि बैंक अधिकारी आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लॉकर के बदले अच्छे खासे फिक्स डिपॉजिट की मांग करें। लेकिन बैंक में लॉकर के लिए फिक्स डिपॉजिट की मांग करना, जानबूझकर लॉकर ना देना या लॉकर में सामान गायब हो जाना गलत है। ऐसा हो तो आप शिकायत जरूर करें। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके अधिकारों के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर बैंक में लॉकर खाली नहीं है तो बैंक को लॉकर के अलॉटमेंट के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार करनी होगी। ऐसी कंडीशन में अगर आप लॉकर के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक को आपकी वेटिंग लिस्ट नंबर जारी करना होगा। बैंक में उपलब्ध कुछ लॉकर में से 80% को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अलॉट किया जाता है। बाकी को बैंक मैनेजर कुछ विशेष खाताधारकों के लिए अपने खाते की परफॉर्मेंस के आधार पर अलॉट कर सकते हैं। लॉकर अलॉट करने के नाम पर बैंक फिक्स डिपॉजिट की मांग नहीं कर सकता, लेकिन वे लॉकर के 3 साल के किराए और लॉकर तोड़ने के चार्ज के बराबर डिपॉजिट करा सकते हैं। आमतौर पर बैंक छोटे लॉकर के लिए 4,000 रुपये और मीडियम लॉकर के लिए 6,000 रुपये या फिर बड़े लॉकर के लिए 10,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। लॉकर सुविधा देते हुए बैंक ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट करता है। इस एग्रीमेंट की सत्यापित कॉपी आप बैंक में जरूर हासिल करनी चाहिए। लॉकर लेने के लिए आपका उस बैंक में खाता होना बहुत ज़रूरी है ताकि समय समय पर बैंक आपके खाते से चार्ज काटता रहे। कुछ उपभोक्ता द्वारा बैंक लॉकर का गलत इस्तेमाल किए जाने की वजह से अब बैंक अपने ग्राहकों की जाँच पड़ताल किए जाने के बाद ही लॉकर को अलॉट करते हैं। अगर आपने 1 साल तक अपना लॉकर को ऑपरेट नहीं किया है तो बैंक आपसे इसका कारण जान सकता है। अगर बैंक आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसे आपके लॉकर की अलॉटमेंट को रद्द करने का और लॉकर को खोलने का अधिकार है, भले ही आप लॉकर का किराया समय पर देते हों। अलॉट किए गए लॉकर की सुरक्षा का जिम्मा बैंक का होता है। लॉकर की सभी चाबियों पर बैंक या ब्रांच का कोड छपा होना चाहिए। अगर बैंक का प्रतिनिधि आपसे लॉकर की चाबी मांगे तो भी उसे कभी चाबी ना दें। अपनी उपस्थिति में ही चाबी पर बैंक या फिर ब्रांच का कोड डलवाएं। बैंक हर साल लॉकर का किराया एडवांस में वसूल लेता है। सभी ग्राहकों के लिए ज़रूरी है कि वे लॉकर सुविधा लेते वक्त नॉमिनेशन जरूर करें। एक बार नॉमिनी बनाए जाने के बाद भी आप अपना नॉमिनी बदल सकते हैं। ग्राहक की मौत हो जाने पर नॉमिनी को ग्राहक मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर अपना पहचान पत्र उपलब्ध कराने पर लॉकर ऑपरेट करने का अधिकार मिल जाता है। लॉकर धारक की मृत्यु के बाद अगर नॉमिनी उसी लॉकर को चालू रखना चाहता है तो बैंक और उसके बीच एक नया एग्रीमेंट साइन किया जाता है। जॉइंट रूप से लॉकर ऑपरेट किए जाने की स्थिति में अगर एक खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उसके नॉमिनी और दूसरे खाताधारक को संयुक्त रूप से लॉकर ऑपरेट करा सकता है। लॉकर धारक की मौत हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को लॉकर का सामान सौंपते वक्त अगर लॉकर में कोई लिफाफा बंद मिलता है तो बैंक अधिकारी को उसे खोलकर देखने का अधिकार नहीं है। अगर आप लॉकर ऑपरेट कर रहे हो उस वक्त लॉकर रूम में कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो बैंक अधिकारी हो या कोई दूसरा लॉकर धारक क्यों ना हो। सभी बैंकों में शिकायत पुस्तिका होती है और शिकायत होने पर आप इसमें एंट्री जरूर कर सकते हैं। लॉकर को इंडिविजुअल, ज्वाइंट या कंपनी के नाम से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से लिया जा सकता है। लॉकर कम से कम 1 साल के लिए दिया जाता है और बैंक लॉकर के लिए अप्लाई करते वक्त बैंक की गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लेना चाहिए। बैंक की जिम्मेदारी है कि वे आवेदन करने वाले को नॉमिनेशन सुविधा के फायदे जरूर बताए। लॉकर ऑपरेट करते हुए मोबाइल आदि पर बात ना करें, इससे ध्यान भटकता है और लॉकर खुला रह जाने की आशंका बनी रहती है। आप एक बच्चे को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन क्लेम करते वक्त बच्चा अगर माइनर है तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को उसका क्लेम दिया जाता है। अगर आपने लॉकर का किराया नहीं दिया है तो आप बैंक द्वारा नोटिस दिए जाने पर भी बैंक से संपर्क नहीं करते तो बैंक को आपके लॉकर को तोड़ने का अधिकार होता है। इसका सर्विस चार्ज भी आपसे लिया जा सकता है। अगर आपके लॉकर से छेड़छाड़ हुई है और सामान गायब है तो तुरंत बैंक अधिकारी को आप सूचित करें और पुलिस को बुलाएं।
लॉकर को बैंक अधिकारी और ग्राहक दोनों की चाबी से खोला जा सकता है, जबकि बंद सिर्फ वो ग्राहक की चाबी से ही होता है। लॉकर बंद करने के बाद बैंक अधिकारी को लॉक चेक करने को कहें और बैंक अधिकारी की ड्यूटी होती है कि लॉकर ऑपरेट किए जाने के बाद वो लॉकर के लॉक को चेक करें। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आप बैंक लॉकर पर एक और लॉक लगा सकते हैं। आमतौर पर ये दंगा होने, आग लगने, लूटमार आदि की कंडीशन में बैंक ने इंश्योरेंस कवर किया होता है। अगर बैंक लॉकर से कीमती सामान गायब हो जाता है तो बैंक सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। लॉकर ऑपरेट करने से पहले कस्टमर को लॉकर रजिस्टर में लॉकर ऑपरेट करने का वक्त और साइन करना चाहिए। बैंक अधिकारी की मौजूदगी में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक अधिकारी आपको जानबूझकर लॉकर अलॉट नहीं कर रहा, आपके आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं कर रहा और उस पर वेटिंग नंबर नहीं डाले या फिर और कोई परेशानी खड़ी करे तो बैंक मैनेजर को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए या बैंक की शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज करें। अगर आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई ना हो तो आप एक महीने बाद अपने बैंक के नोडल अधिकारी या फिर चेयरमैन को पहले की गई शिकायत की एक कॉपी भेजें। इसके लिए आप ऑनलाइन जाकर इनकी वेबसाइट पर इनकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो बैंक लॉकर और आपके अधिकारों के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर तो बनता है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।